नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर, राजधानी लखनऊ के नगर निगम जोन 5 क्षेत्र अंतर्गत रामजीलाल नगर वार्ड से आ रही है, जहां जलापूर्ति बाधित होने के चलते पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि जल निगम के अधिकारियों की लापरवाहियों के चलते 24 घंटे से हरिहर प्रसाद नगर, पूरन नगर, जोधा खेड़ा, अमृद्धि बाग, सिंगर नगर, ढालन सहित लगभग 3,000 की आबादी वाले क्षेत्र में पानी की सप्लाई ठप है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। इस भीषण गर्मी में यदि पानी की किल्लत हो जाए तो सोचिए क्या होगा। नगर निगम जोन 5 के वार्ड नंबर 124 रामजी लाल नगर वार्ड में गुरुवार की रात 12 बजे से पानी की सप्लाई पूर्ण रूप से ठप है। बताया जा रहा है कि यहां छोटे बड़े दो पंपों के मोटर खराब हो जाने के चलते ये गंभीर दिक्कत उत्पन्न हुई है। क्षेत्र में लगभग 3,000 की आबादी में जलापूर्ति के लिए जल निगम द्वारा सिर्फ 3 टैंकर खड़े किए गए हैं, जिनका इस गर्मी में खौलता पानी सिर्फ दिखावा साबित हो रहा है। मजे की बात तो ये है कि गुरुवार की रात से खराब हुई दोनों पंपों के मोटरों को अभी तक दुरुस्त नहीं किया गया है। स्थानीय नागरिकों में जब भीषण आक्रोश प्राप्त हुआ, तब जाकर आज दोपहर से पंपों के दुरुस्तीकरण का कार्य चल रहा है। स्थानीय नागरिकों की माने तो ये दिक्कत आए दिन होती रहती है। आए दिन पंपों के मोटर खराब होते हैं और पानी का संकट उत्पन्न होता है। स्थानीय लोगों ने पंप ऑपरेटर पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। जल निगम के एक्सियन सचिन यादव ने बताया कि पंपों के दुरुस्तीकरण का कार्य चल रहा है और शाम 6 बजे के बाद जलापूर्ति चालू हो जाएगी, किंतु जो कछुआ की चाल से कम हो रहा है उसे ये नहीं लगता है कि आज शाम 6 बजे जलापूर्ति चालू हो पाएगी। स्थानीय लोगों ने यहां के पार्षद गिरीश मिश्रा के प्रति भी आक्रोश व्यक्त किया है। लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी गंभीर समस्या होने के बावजूद भी पार्षद क्षेत्र में हालचाल लेने तक नहीं आए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरी राजधानी इस समय भीषण गर्मी की प्रकोप में है, चारों तरफ तराही तराही मची हुई है। ऐसे में यदि पानी की किल्लत हो जाए तो जाहिर सी बात है लोगों को परेशान होना लाजिमी है। इस समय हम राजधानी लखनऊ के नगर निगम जोन 5 अंतर्गत हरिहर प्रसाद नगर मोहल्ले में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी की बड़ी किल्लत है। यहाँ पे छोटे पंप और बड़े पंप खराब हो जाने के बाद जल निगम की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। लगभग 24 घंटे से लोगों के घरों में पानी की सप्लाई नहीं हुई है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, इस गर्मी से बिलबिला रहे हैं। भैया, आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, मैं यहाँ के निवासी हूँ। क्या नाम है आपका? राजश्रीवास्तव। क्या कहना चाहते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यह है कि यहाँ पे आए दिन पानी की समस्या बनी रहती है। कल रात में 12 बजे से पानी नहीं आ रहा है और पंप ऑपरेटर मतलब किसी को कोई सही जवाब देते नहीं है। पंप ऑपरेटर ने पूरे पंप को किराया उठा रखा है, सबको कटिया दे रखी है, पूरा पंप किराया। और जल निगम के अधिकारी मिली भगत से पंप पूरी तरीके से किराया उठा हुआ है। क्या पंप खराब हो गया है? पंप खराब हो चुका है, थोड़ा मिनी पंप और बड़ा पंप दोनों पंप खराब हो चुके हैं। कल रात 12 बजे से हम लोग यहाँ पानी के लिए परेशान हैं, पानी नहीं आ रहा है। सुबह उच्च अधिकारियों को फ़ोन किया गया, जिसमें त्रिपाठी जी ने कहा कि आप लोग पास कोई काम नहीं है, आप लोग फ़ोन करके परेशान करते हैं। कौन त्रिपाठी जी? कोई त्रिपाठी जी जल निगम में है जो देखते हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग आए दिन परेशान करते हैं, आप लोग पास कोई काम नहीं है। सचिन यादव बोले हम टीम भेज रहे हैं। 12 बजे बाद जब मैंने DM साहब को फ़ोन किया है नगर आयुक्त, उसके बाद जाके यहाँ पर टीम आई है। भैया, आप भी यहीं के निवासी हैं? भैया, हम प्रेम नगर के निवासी हैं। जी जी। और प्रेम नगर प्रसाद नगर तो प्रेम नगर में ही आता है ना? नहीं, थोड़ा से हट के है। हाँ हाँ। अभी समय पानी की किल्लत पूरन नगर, प्रेम नगर, जोधा खेड़ा, विशेषण नगर, हरिहर प्रसाद नगर, इस समय पानी और बिजली की इतनी दिक्कत है कि आप पूछिए नहीं। आदमी काम पर नहीं जा रहा है, बीमार अलग से पड़ रहा है, क्या करे आदमी, कैसे किल्लत दूर करेगी ये सरकार हमारी पानी की? कोई सुन नहीं रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ पे फ़ोन किया जाता है, चाहे जल निगम हो और चाहे विद्युत हो, दोनों लोगों में कोई सुनवाई नहीं होती है और भगा दिए जाते हैं लोग। ये कहते उनके पास जाओ शिकायत लेके, उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, ऐसे अधिकारी जो है टाला मटोली किया करते हैं, किसी की नहीं सुनते। इस प्रकार से अगर इस जोन में, हमारे जोन 5 में इस तरीके की समस्याएँ रहेगी तो हम किससे उम्मीद रखें? ना योगी जी हमारी सुनते हैं, ना विधायक सुनते हैं, ना कोई नहीं सुनता। और जिसके पास जाओ तो दरवाजे से बाहर भगा दिए जाते हैं। इस प्रकार ऐसे सरकार छोड़ो चलेगी।
कॉलोनी की यहाँ पर महिलाएं भी हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं पानी की, पानी को लेकर क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, कब से पानी नहीं आ? पानी तो यहाँ आए दिन यही होता है परेशानी, दो दिन आए दो दिन नहीं आए, दो दिन आएगा फिर नहीं आएगा, यहाँ आए दिन गर्मी में अक्सर ये गर्मी भर यही हाल, गर्मी में पूरा तराई तराई कर रहा कर रहा हम लोगों को पानी, इतने की बताइए कल रात से पानी नहीं आए, अब हम लड़के क्या करें, कैसे इंसान लैट्रिन बाथरूम खाना बनाए, ये नहीं रह गई पानी की पीने के लिए घर में, समस्या है इस मोहल्ले में हर बार यही समस्या रही। तो कैसे कैसे 24 घंटे से कैसे आप लोग जो है अब यही भर लेते हैं एक दिन तो उसमें काम चला लेते हैं। यहाँ देखिए पड़ोसी में आपके जो है समर सेविल लगा है पानी पाई कर रहे हैं, वही सप्लाई कर रहे हैं वही पानी दे रहे हैं, अभी उनका समर सेविल ना होता तो कहाँ से हम लोग को मिलता। अच्छा जल नहीं कोई अधिकारी वगैरह कोई यहाँ पे अभी तक आए? कोई भी नहीं आया, कोई खाली बिल लेते हैं पानी का बिल को देंगे फट। तो क्या मांग क्या क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग ये यहाँ पानी सरद हम लोग को पानी की सुविधा हो, हम लोग कोई सुनवाई सबने के लिए हाथ वोट मांगते फिर कोई नहीं आता, यहाँ कोई झांकने का बिल्कुल भी, एक समझवाया जाए इसी यहीं से सारे एरिया में पानी जाता है, वही तो बता रहे ना कोई सुनवाई नहीं है। फिलहाल अभी समस्या दूर नहीं हुई, कहाँ से दूर हुई है, हम लोग कल से के लिए कितना हो रहे हैं 12 लोग परेशान, 12 बजे रात से सबसे अभी तक पानी नहीं आया, 24 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए, संभावना नहीं ना कब तक आए, ये भी नहीं ना सुनने को तैयार ना, पूरा तैयार नहीं ना, ये ना हम लोग भी बिल देते हैं, ये तो है नहीं हम लोग का बिल बाकी है, ये मोहल्ले में कोई बिल नहीं, बिल तो सवाले जमा करते हैं ना, ये भी तो हिसाब से दे या यहाँ पे समर सेविल उपलब्ध। बिल देते हैं ये तो है नहीं हम लोग का बिल बाकी है, ये मोहल्ले में कोई बिल नहीं, बिल तो सवाले जमा करते हैं, बालों भी बिल देते हैं ये तो है नहीं हम लोग का बिल बाकी है, ये मोहल्ले में कोई बिल नहीं, बिल तो सवाले जमा करते हैं ना, ये भी तो हिसाब से दे या यहाँ पे समर सेविल उपलब्धवाएं, यहाँ पे समर सेविल उपलब्धवाएं। मैम यही रहने वाली हैं आप? हाँ। क्या शुभ नाम है? मंजूषा श्रीवास्तव जी। कब से पानी नहीं आ रहा है? पानी कल शाम से नहीं आ रहा है। कल शाम से आपको पानी नहीं मिला है, तो कैसे चल रहा है, इतने समय हो गए हैं कैसे दिनचर्या कैसे चल रही है? अभी जो स्टोर है वो चल रहा है लेकिन अब धीरे धीरे वो भी खत्म हो रहा है, तो पीने वाला पानी भी खत्म, पीने वाला पानी भी खत्म हो गया है, तो मतलब संकट है। हाँ पानी का संकट। उच्चाधिकारियों से क्या मांग करना चाहती हैं? यही कि पानी की समस्या पर ध्यान दें, गर्मी इतनी है और आप आगे आ जाइए थोड़ा सा, वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर अचानक मोटर अगर खराब हो जा रही है तो कुछ करना चाहिए अधिकारियों को कि हाँ जलापूर्ति बाधित ना हो, जबकि इतनी गर्मी चल पड़ रही है और बिल्कुल इस समय, और घर में संख्या भी लोगों की समय ज्यादा है, और जाहिर बात है समय छुट्टियाँ चल रही है स्कूल की और सब लोग इकट्ठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल खपत ज्यादा है बिल्कुल। फिलहाल क्या कहना चाहती है? फिलहाल हम यही कहना बस एक यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस तरह की समस्या को दूर करने का प्रयास करें और इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें कि हाँ अगर मोटर ख़राब हो गई है तो कोई ना कोई अल्टरनेट या टैंकर लगवा के रख दें या कुछ भी करें कि जितनी देर मोटर बनने में टाइम लगता है तो पानी की कमी ना हो। भैया ये कौन सा वार्ड है? ये रामजी नगर वार्ड है, ये हमारे पार्षद जी हैं गिरीश मिश्रा जी, और मैं करीबन मेरे हिसाब से ये दूसरी बार ये पार्षद बने, और यहाँ पे ये पानी की समस्या तो हमेशा हर साल में 3 से 4 बार होती रहती है, कभी मोटर फूक जाना, कभी मोटर में पानी नहीं आना, कभी पंप रूम में दिक्कत, तो जिसके लिए एक बार संयुक्ता भाटिया जी भी यहाँ पर आई, उन्होंने भी आके हम लोगों के साथ कई दिन, मतलब तब तो 2 महीने पानी नहीं था, 2 महीने हम लोगों ने बाहर से रोड से टैंकरों से पानी भर भर के यूज़ किया, अपने घरों पर पूर्ति करी, क्योंकि घर परिवार है छोटे बच्चे हैं। अब क्या है, अब तो ये समस्या आ गई है कि आए दिन दिक्कत हो गई, और जो उच्च अधिकारी है तैयार है वो तैयार नहीं, हर आदमी अपना के बैठ जा रहा है। हमारा कहना ये है कि कम से कम अधिकारियों से कि आप कम से कम ना पूर्ति कर, कम से कम एक छोटे किनारे रख दीजिए जिससे अगर बड़ी मोटर में है तो छोटा आदमी पानी पी सके, यूज कर सके। हाँ जलापूर्ति बाधित ना हो, बाधित ना हो, लेकिन क्या है अधिकारी सुनने को तैयार हो तब, जब तक अधिकारी नहीं सुनेगा तब तक हम लोग के प्रयास के बाहर है। अब आप देख लीजिए इस पूरी गली में सब जगह पाइप ही पाइप नजर आ गए, कभी किससे पानी मांगा जा रहा है, कभी किससे पानी मांगा जा रहा है, जिन लोग का अपने नंबर सेवल है उसका सहारा लिया जा रहा है जी।
का सहारा ना हो तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। अच्छा, तीन टैंकर पर खड़े हैं, उनका क्या कुछ लाभ मिल पा? टैंकर का पानी नहा सकता है, ये तो आप भी जानते हैं। क्या जाइए, 45 डिग्री सेल्सियस रही है, रोड से टैंकर से आना आदमी वैसे ही हो जाएगा, मर जाएगा। आप चीजों को समझिए, यहाँ के सभासद को और यहाँ के मेयर एक समाधान निकालना चाहिए। मेरे हिसाब से कम एक आदि का इलाका है ये। अब 1000 आबादी में हर आदमी अगर रोड पे चला जाए पानी भरने तो तीन टैंकर भी नहीं कर पाएंगे। ये कॉलोनी हरिहर पर है और कहाँ कहाँ तक का एरिया प्रभावित हुआ है इस ट्यूबवेल का? इससे इस समय सेबू से कम से कम मेरे हिसाब से तो हमारा राम जी नगर भिगावा लगता है और पीछे मस्जिद वाली गली नगर जाता है। इससे समझ लीजिए, मान के चलिए 50 गलियां कवर करता है सेबू। लगभग 1000 की प्रभावित है। कम से कम मेरे हिसाब से तो हमारा राम जी नगर से तो हमारा राम जी नगर भिगावा लगता है और पीछे मस्जिद वाली गली नगर जाता है। इससे समझ लीजिए, मान के चलिए 50 गलियां कवर करता है सेबू। लगभग 1000 की प्रभावित है। नगर क्षेत्र में यहाँ जो पानी की समस्या है, हफ्ते में 2 बार ये हो गई है रिपीट। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पानी जब घर में रात में भरा हुआ नहीं है, सुबह अचानक से पता चलता है कि पानी की मशीन ख़राब हो गई है। कोई बात नहीं, तो अधिकारियों का फर्ज बनता है कि मशीन कम से कम उसको तुरंत रेडी करवाएं। जब फ़ोन किया जा रहा है तो अधिकारियों द्वारा ये आश्वासन तो दिया जा रहा है कि भाई काम हो रहा है, लेकिन वर्तमान स्थिति पर पहुँच के देखिए तो वहाँ पर कोई पहुँच काम करने के लिए पहुँचा ही नहीं है। अब किसी के घर में 24 घंटे गर्मी के समय पानी नहीं होगा तो क्या हाल हो रहा होगा भाई? हम लोग तो पूरी जनता यहीं पर डिपेंड है इसी के। अब हर कोई अपने घर में समरसेबल तो करा नहीं लेगा कि उसके घर पानी चल रहा है। जब हम आपके ऊपर डिपेंड हैं तो फर्ज तो अधिकारियों का ही बनता है ना कि वो समय पे काम करवाएं। अधिकारी तो कह रहा है कि काम करवाया जा रहा है। नहीं, मैंने स्वयं अधिकारी को फ़ोन किया, अपने जेई साहब को, उन्होंने कहा ये आज सुबह अभी मैंने लगभग 12 बजे के आसपास फ़ोन किया तो उनकी तरफ से आश्वासन मिला कि भैया आदमी वहाँ पहुँच गए हैं, जबकि मैंने ये फ़ोन वहीं खड़े होकर किया था जहाँ पे पंप लगा हुआ है और कोई वहाँ पे पहुँचा हुआ नहीं था। उन्होंने कहा रास्ते में होंगे। अब हम लोग अधिकारी के ऊपर कल भरोसा ही कर सकते हैं कि हाँ भैया उन्होंने भेजा है, वो आ रहा होगा, बनेगा। अब उन्होंने कहा शाम तक बनेगा, हम केवल इंतजार करेंगे शाम तक का। हो सकता है रात में हमें फिर बच्चों को प्यासा सुलाना पड़े कि पानी नहीं मिल रहा भैया, पानी नहीं आ रहा, पीने का पानी नहीं है। बताइए, यहाँ के लोगों में भीषण आक्रोश है, सड़कों पर उतरने का मन बना रहे हैं। क्या करेंगे और भैया, जब पानी नहीं होगा किससे मांगेंगे? मांगेंगे तो आप ही से। नगर निगम जोन 5 के रामजी लाल वार्ड में जलापूर्ति बाधित होने के पीछे जल निगम की बड़ी लापरवाही आई है। यहाँ पर ट्यूबवेल पंप के ऑपरेटर की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने पंप ऑपरेटर पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिसके कारण बार बार यहाँ का मोटर फूक जाता है और विभाग के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। जलापूर्ति बाधित होने की सूचना के बाद अभी तक काम पूरा न हो पाने से यहाँ के नागरिकों में भीषण आक्रोश है और ये लोग परेशान हैं कि 24 घंटे होने को हैं, अभी तक इन लोगों को पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर 3 टैंकर यहाँ पर खड़े किए गए हैं, जो धूप में खड़े हैं। पानी गर्म है, घर से लोग धूप में किस तरह जाके पानी उससे लें। लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों में भीषण आक्रोश व्याप्त हो गया है, जो देर शाम तक सड़कों पर भी फूट सकता है। सी न्यूज से उमेश विश्वकर्मा, लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।